नमस्कार दोस्तों, मैं करिश्मा वाबले आप सबका स्वागत करती हूँ आज के नए एपिसोड में और आपके चहेती शो में, जिसका नाम है गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी। आज मैं फिर आपको ले चलूंगी गीतों की राह पर, एक नए सफर पर, जहाँ हर गीत एक अद्वितीय कहानी का हिस्सा है जो करिश्मे भरे अनुभवों के साथ भरा है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं उन गीतों के किस्से जो आपके दिल की तारों को छू जाएंगे और जिनकी कहानियों में आप खो जाएंगे। तो सुनिए और खो जाइए उन गीतों की गहराइयों में, क्योंकि कहते हैं ना कि सच्ची कहानियों की धुन हमेशा दिल को छू जाती है। तो दोस्तों, आज मैं जो किस्सा सुनाने जा रही हूँ, एक्चुअली ये किस्सा है एक बाप और एक बेटे का, आर डी बर्मन, जिन्हें हम पंचमदा के नाम से भी जानते हैं। म्यूजिक की दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो उन्हें जानते नहीं। उनका हर एक गाना नींव का पत्थर है, नगीना है और मोती है। मगर शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। महमूद साहब ने उन्हें छोटे नवाब फिल्म में ब्रेक दिया, जो फिल्म नहीं चली। उसके बाद फिल्म भूत बंगला, वो भी नहीं चली। उनके पिता एजरीदा अपने जमाने के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन्हें ये चिंता खाई जा रही थी कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे पंचम का क्या होगा। और इसी फिक्र में उन्हें पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था और वो अक्सर अपने प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से पंचमदा के लिए काम मांगा करते थे। और साथ ही साथ किशोरदा और महमूद साहब ने भी उन्हें वादा किया था कि पंचमदा के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर बात आती है विजय आनंद साहब की। विजय आनंद साहब की सारी फिल्मों में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे और वो थे एजरीदा। फिर एजरीदा ने विजय आनंद साहब से बात की, उन्होंने भी कहा कि मैं पंचम के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, जितना भी कर सकता हो उतना करूंगा, क्योंकि पंचम में वो बात है ये मुझे पता है। विजय आनंद साहब सिर्फ नौकेतन फिल्म्स के लिए ही फिल्म बनाते थे और इससे पहले उन्होंने किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए कोई फिल्म नहीं बनाई थी। और नौकेतन फिल्म्स में सिर्फ एक ही हीरो हुआ करते थे और वो थे देवानंद साहब। विजय आनंद साहब देवानंद साहब के छोटे भाई थे और वो हर एक काम अपने भाई के लिए ही करते थे। इस बार विजय आनंद साहब को बाहर की फिल्म मिली। इसके प्रोड्यूसर थे नासिर हुसैन साहब। तो फिल्म ऑफर हुई। फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर थी। इससे पहले उन्होंने ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं किया था, तो उन्होंने कहा चलिए ट्राई करते हैं। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में आपको एक बात बता दूं, शायद आप नहीं जानते हो, इस फिल्म में हीरो देवानंद साहब ही थे। वो नसीर हुसैन साहब के साथ पहले भी काम कर चुके थे और उन्होंने बकायदा इसके लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन किसी वजह से वो ये फिल्म करने से मुकर गए। और ये फिल्म जाती है उस वक्त के म्यूजिकल सुपरस्टार, राइजिंग सुपरस्टार शम्मी कपूर जी को। उन्हें इस फिल्म की कहानी पसंद आई और विजयनंद साहब को पूरी इंडस्ट्री गोल्डी कहती थी, तो उन्हें कैसे मना करते। और फिल्म में बात भी थी और हीरोइन थी आशा पारेख। अब बात आती है म्यूजिक की। आप तो जानते ही है 90% शम्मी कपूर जी के फिल्मों को म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ शंकर जयकिशन ही दिया करते थे। इसी वजह से शम्मी कपूर जी ने जिद पकड़ी कि इस फिल्म की म्यूजिक की जिम्मेदारी भी शंकर जयकिशन को दी जाए। और फिर नसीर हुसैन साहब के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, मगर विजय आनंद साहब ने कहा कि क्यों ना पंचम को ट्राई किया जाए। नसीर साहब को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टर तो अल्टीमेटली विजय आनंद साहब ही थे। अब शम्मी कपूर जी को कैसे मनाए। उन्होंने तो जीत पकड़ी थी कि शंकर जयकिशन ही म्यूजिक करेंगे, क्योंकि फिल्म का जो मूड था वो वेस्टर्न टच था और आप लोगों ने शंकर जयकिशन की म्यूजिक में तो सुना ही होगा। फिर शम्मी कपूर जी मन मानकर मान गए, क्योंकि पंचमदा एसडी साहब के बेटे थे। शम्मी कपूर जी ने कहा कि हम एक म्यूजिक सेटिंग कर लेते हैं, अगर मुझे पंचम के गाने समझ आए तो इस फिल्म की म्यूजिक पंचमदा करेंगे, और अगर मुझे गाने समझ में नहीं आए तो इस फिल्म के गाने सिर्फ और सिर्फ शंकर जयकिशन ही करेंगे। शर्त मान ली गई और एक शाम सेटिंग रखी गई। शाम के 4 बजे नसीर हुसैन साहब के घर शम्मी कपूर जी पहुंच गए और पंचमदा भी अपना बाजा लेकर पहुंच गए और पंचमदा ने अपने गाने सुनाने शुरू कर दिए। एक गाना, दो गाने, तीन गाने, चार गाने। शम्मी कपूर जी को कोई भी गाना पसंद नहीं आ रहा था। जैसे वो अपना मन बनाकर आए थे कि पंचम को रखना ही नहीं है। एक मायूसी का आलम था। तब तक 7:30 बज चुके थे और फिर शम्मी कपूर जी ने कहा अरे यार चलो बॉटल खोलते हैं, और यहाँ बॉटल खुलनी शुरू हो गई।
दो पैक के बाद शम्मी कपूर जी ने कहा, अरे पंचम, जो पहला गाना सुनाया था वो कौन सा था? और फिर पंचम दा ने पहला गाना सुनाना शुरू किया। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत हो ना रे। फिर उन्होंने कहा, अरे ये गाना तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद पंचम दा ने एक और गाना सुनाया और वो गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। और शराब का दौर खत्म होते होते ये फिल्म पंचम दा के हाथ में थी। और शराब के नशे में शम्मी कपूर जी ने जिन गानों को हाँ कहा था, वो गाने आज इतिहास बन चुके हैं। और अब जानते ही हैं कि फिल्म तीसरी मंजिल का हर एक गाना नींव का पत्थर है। और यही से पंचम दा ने इस फिल्म इंडस्ट्री को नई पहचान दी, नई उड़ान दी और म्यूजिक का एक नया दौर दिया। लेकिन म्यूजिक का ये दौर शराब के उस दौर से शुरू हुआ था। इसीलिए तो कहते हैं, शराब के एक ग्लास ने फिल्म इंडस्ट्री को कुछ वर्ल्ड क्लास दिया। तो दोस्तों, ये था आज का मजेदार किस्सा, मजेदार कहानी। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए किस्से के साथ, एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और ऐसे ही नई नई एपिसोड्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है करिश्मा हिट्स। तो फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नए किस्से के साथ में हमारे इस शो में, जिसका नाम है गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी। धन्यवाद।